नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एसपी फार्मेसी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ साइज रिडक्शन के बारे में आज आपको बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों बेल आइकन को दबाने से क्या होगा दोस्तों, जो हमारी आगे आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइज रिडक्शन के बारे में आज हम बताएंगे आप दोस्तों। साइज रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल्स या सब्सटेंस को रिड्यूस करके फाइन पाउडर में चेंज करते हैं। इसमें जो सब्सटेंस होता है उसको स्मॉल साइज में तोड़कर फाइन पाउडर में चेंज कर दिया जाता है, और जो फाइन पाउडर होता है इसमें सब्सटेंस के छोटे बड़े पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इस प्रोसेस को हम साइज रिडक्शन कहते हैं। हम दो तरीके से साइज रिडक्शन करते हैं, नंबर एक ग्राइंडिंग एंड कटिंग और नंबर दो इमल्सिफिकेशन एंड एटोमाइजेशन। ग्राइंडिंग और कटिंग में क्या है, यह मेथड सॉलिड सब्सटेंस के साइज को रिड्यूस करने में यूज़ किया जाता है, और इमल्सिफिकेशन में यह मेथड लिक्विड फेज में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। नंबर एक है, इससे मटेरियल का यूनिफॉर्म फ्लो मेंटेन रहता है। दूसरा, इससे प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन और डिसोल्यूशन रेट और फिजिकल स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। पॉइंट थ्री, यह ड्रग की विस्कोसिटी और सरफेस एरिया को बढ़ाता है। पॉइंट फोर, यह ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी में ड्रग कहाँ से कहाँ तक कितना समय ले रही है, कितनी अमाउंट में जा रही है। पॉइंट फाइव है, यह एक अफेक्टिव तरीके से दवाओं के एक्सट्रैक्शन और ड्राइंग को सक्षम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिसएडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है, यह दवा को ख़राब कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, यह पुअर मिक्सिंग की ओर जाता है। तीसरा पॉइंट है, इससे प्रोडक्ट कंटामिनेट मतलब दूषित हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी एक प्रोडक्ट को मटेरियल को दो मटेरियल को एक साथ मिलाते हैं तो उसमें तीसरा मटेरियल भी जो मॉइस्चर से अवेलेबल होता है, जो मॉइस्चर भी अवेलेबल होता है वो भी मिल सकता है मिलाने पर। पॉइंट फोर है, इससे कुछ इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे नॉइजी इन्वायरमेंट, जैसे शोर वातावरण। मतलब अगर हम जब उसे साइज रिडक्शन करेंगे किसी भी मटेरियल का, तो साइज रिडक्शन करने पर उसमें शोर नॉइजी प्रॉब्लम्स भी पोल्यूशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। पॉइंट फर्स्ट, पार्टिकल साइज को कम करके ड्रग का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इसलिए किसी भी केमिकल सब्सटेंस के मामले में यह इंक्रीज सरफेस एरिया के क्विक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यह सरफेस एरिया को बढ़ाने में जो सरफेस एरिया के बढ़ने पर इसके क्विक फॉर्मेशन पर हेल्प करता है। पॉइंट टू है, वेजिटेबल ड्रग का कम आकार सॉल्वेंट पेनिट्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो वेजिटेबल का ड्रग का कम आकार है वह सॉल्वेंट पेनिट्रेशन में उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि सरफेस एरिया में वृद्धि का परिणाम स्वरूप बेटर एक्सट्रैक्शन होता है। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसमें एक्सट्रैक्शन भी उसका ज़्यादा होगा। कुछ ड्रग के पार्टिकल साइज को कम करके वहाँ थेरापूटिक एफिकेसी इन्हांस हो जाती है। पॉइंट फोर है, इमल्सिफिकेशन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऑयल ग्लोब्यूल्स का आकार कम कर दिया जाता है, कर दिया जाना चाहिए। पॉइंट फाइव है, साइज में कमी से ड्रग की अधिकता कम हो जाती है। अगर पार्टिकल्स का, अगर उस मटेरियल का साइज कम होगा तो उससे जो उसकी एक्शन होगा वो भी बहुत कम होगा। तो पेज नंबर वो, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। इसके नौ प्रकार के फैक्टर अफेक्टिंग है। नंबर एक टफनेस, नंबर दो हार्डनेस, नंबर तीन स्टिकनेस, नंबर चार मॉइस्चर कंटेंट, नंबर पाँच सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, नंबर छः मटेरियल स्ट्रक्चर, नंबर सेवन फिजियोलॉजिकल अफेक्ट, नंबर एट प्योरिटी रिक्वायर्ड, नंबर नाइन बल्क डेंसिटी। अब बात करते हैं पहला पॉइंट टफनेस। वे क्रूड ड्रग आमतौर पर नेचर में टफ होती हैं जिनमें नरम और रसेदार के लिए उच्च पानी की मात्रा होती है। मतलब जिसके अंदर नरम और रसेदार होते हैं वे ड्रग बहुत ही टफ होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है हार्डनेस। सॉफ्ट मटेरियल की आकार में कमी हार्डनेस मटेरियल की तुलना में आसान होती है। जब हम अगर हम सॉफ्ट मटेरियल का साइज रिडक्शन करेंगे और हार्ड मटेरियल का साइज रिडक्शन करेंगे तो सॉफ्ट मटेरियल का रिडक्शन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा, इसलिए आकार में कमी की प्रक्रिया भी मटेरियल की हार्डनेस से प्रभावित होती है।
पॉइंट थ्री है स्टिकनेस। स्टिकनेस का मतलब है हिंदी में चिपचिपा। चिपचिपा पदार्थ प्रकृति में राल या चिपचिपा होता है, इसलिए आकार में कमी की प्रक्रिया के दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे चक्की की सतह या छलनी पे चिपक जाते हैं, जिससे उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ना मुश्किल हो जाता है। पॉइंट फोर है मॉइस्चर कंटेंट। कम आकार में कमी की प्रक्रिया सामग्री में मौजूद नमी से भी प्रभावित होती है, जो पदार्थ के विभिन्न फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे स्टिकनेस, टफनेस और हार्डनेस को प्रभावित करती है। पॉइंट फाइव है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। आकार में कमी की प्रक्रिया के दौरान एक मोम जैसी संपत्ति के साथ सामग्री नरम हो जाती है। मोम जैसी संपत्ति के साथ सामग्री नरम हो जाती है क्योंकि मील का तापमान, मील है ना कि मिल, मील जैसे गन्ना मील होती है, शुगर मील होती है, ये मील का तापमान काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। कूलिंग जैकेट की मदद से मील के टेम्परेचर के गिराने से स्थिति का रोका जा सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट सिक्स है मटेरियल स्ट्रक्चर। ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर वाली वेजिटेबल ड्रग आमतौर पर आकार में कमी पर लंबे रेशेदार कण पैदा करती है। जो मटेरियल स्ट्रक्चर होती है वह एक स्ट्रक्चर वाली सेलुलर स्ट्रक्चर वाली वेजिटेबल ड्रग आकार में कमी पर लंबे रेशेदार कण पैदा करती है। अगर उसका आकार कम होगा तो उसमें लंबे रेशेदार पैदा हो जाएंगे। पॉइंट सेवन है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अत्यधिक शक्तिशाली दवाओं के आधार में कमी को बंद मील में किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके मीलिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल भी ऑपरेशन को प्रभावित करती है, ऑपरेटर को प्रभावित कर सकती है, जिससे विभिन्न प्रकार की विकार पैदा हो सकते हैं। विकार का मतलब है टॉक्सिक इफेक्ट। अब जो मतलब मीलिंग करते समय जब हम किसी बेकार कमी आकार वाले कमी की ड्रग की मीलिंग करनी हो या मिक्सिंग करनी हो तो उसे हम बंद जगह करने चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर जगह करेंगे तो उसमें जो पाउडर निकलेगा या धूल निकलेगी उससे उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ मॉइस्चर भी रिएक्शन कर देगा। पॉइंट एट है प्योरिटी रिक्वायर्ड। आकार में कमी की प्रक्रिया में कार्यरत विभिन्न मील्स की पीसने की सतह पहनना और आंसू को पाउडर के साथ इम्प्योरिटीज़ को मिलाता है। पॉइंट नाइन है बल्क डेंसिटी। किसी सब्सटेंस की बल्क डेंसिटी आकार में कमी की प्रक्रिया के माध्यम से गई सामग्री के उत्पादन को निर्धारित करता है। मतलब जब हम किसी सब्सटेंस के बल्क क्वांटिटी ज़्यादा से मतलब ज़्यादा लेंगे और उसके ज़्यादा तरीके से रिएक्शन कराएंगे, या ज़्यादा तरीके से हम किसी भी बल्क क्वांटिटी को लेंगे, अलग अलग ड्रग करके उसे लेंगे, जैसे बहुत सी दवाएं स्टोर पे बहुत सी दवाएं मौजूद होती हैं, अगर उन्हें एक जगह इकट्ठा करके जब उसे लेंगे तो उससे आपस में रिएक्शन कर जाएगी। ठीक, समझिए। अब इसके बाद है मेथड ऑफ साइज रिडक्शन। इसके कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड है कटिंग, दूसरा मेथड है कंप्रेशन, तीसरा मेथड है इम्पैक्ट और फोर्थ मेथड है एट्रिशन। ज़्यादातर ये दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, कटिंग और कंप्रेशन और इम्पैक्ट, ये तीन मेथड ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। एट्रिशन मेथड इतना यूज़ नहीं किया जाता। अब बात करते हैं पहले मेथड की। पहला मेथड है कटिंग मेथड। इस मेथड में मटेरियल को ब्लेड्स की हेल्प से काटते हैं। वह ब्लेड शार्पनेस होता है, बहुत ही पैने होते हैं ब्लेड। जैसे एग्जाम्पल है इसका कटर मील देखा होगा। दूसरा पॉइंट है कंप्रेशन मेथड। इस मेथड में मटेरियल पर दबाव लगाया जाता है ताकि यह छोटे आकार के कण में कुचल जाए, रोलर मेथड। ये सभी जो मील हैं, रोलर मील, कटर मील, ये सभी जो मील हैं, ये हम इनके लिए हम अलग ही वीडियो बना देंगे दोस्तों, अपनी आसान लैंग्वेज में। पॉइंट थ्री है इम्पैक्ट मेथड। इस मेथड में मटेरियल को स्थिर रखा जाता है और हाई स्पीड के साथ गति करने वाली वस्तु को उसके कण आकार को कम करने के लिए मटेरियल को क्रम में रखा जाता है। प्रभाव तब भी होता है जब स्पीड में कण मील की ओर गैर चलती सतह पर प्रहार होते हैं। आमतौर पर दोनों प्रक्रियाएं चक्की की स्थिर सतह पर गति के रूप में होंगी। मतलब इसका समझाते हैं, इस मेथड में मटेरियल को स्थिर रखा जाता है, जो मटेरियल होता है उसमें इसे एक जगह पर रखा जाता है और हाई स्पीड के साथ गति करने वाली वस्तु को उसके कण आकार को कम करने के लिए मटेरियल को क्रम में रखा जाता है। मतलब जो इसमें मटेरियल्स होते हैं, जो इसके अंदर मटेरियल होते हैं, उन्हें एक क्रम में रखा जाता है, जिससे जो उसके
हाई स्पीड होगी मशीन की, वो हाई स्पीड होगी तो हाई स्पीड के साथ साथ उसमें साथ के साथ मिक्स होते चले जाएगा। प्रभाव तब भी होता है जब स्पीड में कण मील की ओर, कण मील की ओर गैर चलती सतह पर प्रहार करते हैं। मतलब जब वे जो कण होते हैं, जो मेटीरियल्स होते हैं, वे मील की ओर गैर सतह पर गैर चलते प्रभाव करते हैं, सतह पर प्रभाव करते हैं, प्रहार करते हैं। आमतौर पर दोनों प्रक्रियाएं चक्की की स्थिर सतह पर गति के रूप में होंगी। जैसे हैमर मील, हैमर मील में क्या है, हैमर मील में कुछ हथौड़े ऐड होते हैं, हथौड़े की वजह से हम किसी भी मटेरियल को या किसी भी प्रोडक्ट को उसे बनाते हैं, उसे साइज, उसका साइज रिडक्शन करते हैं। हैमर मील मैंने अभी अभी बनाऊंगा, थोड़ी देर में आपके लिए अपलोड करूंगा, आज ही करूंगा। तो अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ मेथड है इसका एट्रिशन मेथड। इस मेथड में कंप्रेशन के समान जिसमें प्रेशर मटेरियल पर लागू होता है, मटेरियल पर प्रेशर लागू होता है, दोनों सतह मशीन और मटेरियल एक दूसरे के संबंध में चलती हैं, मतलब आमने सामने, मतलब चीज़ दोनों चलती हैं, मटेरियल भी और प्रेशर भी और मशीन भी, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने चलती हैं और शेयर फोर्स को प्रोड्यूस करती हैं, और इससे शेयर फोर्स प्रोड्यूस होता है जो मटेरियल के आकार को कम करती है, और मटेरियल के आकार को कम करती है, जैसे फ्लूइड एनर्जी मील। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह फैला दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।